पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। फिर से आज देखेंगे, मोस्ट प्रॉबली ये जैव विविधता का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे, उसको करते जाएंगे। देखिए, आज देखना है हमको भारत की संकटापन्न विलुप्त, जिसको बोलते हैं विलुप्त होती हुई एवं स्थानीय प्रजातियां, इंडियाज थ्रेटेंड इंडेंजर्ड एंड लोकल स्पीसीज। जैसे लास्ट क्लास में बताया था, मैं आप लोग को याद होना चाहिए अभी, ठीक। IUCN के द्वारा क्या रेड डेटा बुक जारी किया जाता है, उस रेड डेटा बुक में 9 श्रेणियों में बांट दिया जाता है विलुप्त होती हुई प्रजातियों को, है ना। तो ये रेड डेटा बुक सीक्वेंस से देखें तो ज्यादा खतरे वाले को विलुप्त, जो है ही नहीं इस दुनिया में, इसको विलुप्त बोलते हैं। फिर वन से विलुप्त, जिसका आवास चेंज कर दिया जाता है, गंभीर संकटग्रस्त, संकटग्रस्त सुभेद्य निकट संकट 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 मुक्त, आंकड़े पर्याप्त नहीं और आंकड़े ही नहीं, ठीक। ये सब श्रेणियों में बांटा गया है। 1964 में IUCN ने क्या लाया था, रेड डेटा बुक लाया था। तो अब कुछ प्रजातियां हैं, उसको पढ़ना है कि कौन सी प्रजाति कहाँ पाई जाती है, उसकी क्या विशेषता है, ये सब हमको देखते जाना है। और इसमें से कौन कौन सी श्रेणियों में आता है, ये देखिए, जो ये बॉक्स है जो बनाया हूं, ये दोनों तो पढ़ा पढ़ा ही नहीं जाता, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट होता है। गंभीर संकटग्रस्त, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, गंभीर संकटग्रस्त वाली बॉक्स है। तो CR वाला ये वाला बॉक्स है, याद रखिएगा, ठीक। और संकटग्रस्त EN, इंडेंजर्ड वाले, इंडेंजर्ड वाले ये है, CN वाले ये है। चलो एक एक करके पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां पाए जाते हैं? तो अब देखो इधर क्यों लिखूं, गुजरात राजस्थान, ठीक। कौन कौन सा? गुजरात और राजस्थान, दो स्टेट, ठीक। मध्य भारत तीसरा, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान चौथा। चार जगह पाया जाएगा, कहाँ कहाँ? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत और पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक। पहला चीज याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुतुरमुर्ग जैसा दिखाई देगा, कैसा? शुतुरमुर्ग जैसा दिखाई देने वाला विलुप्त प्रजाति CR की श्रेणी में कौन सा है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तीसरा चीज याद रखिएगा, ये सबसे भारी पक्षियों में से एक पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारी पक्षियों में से एक पक्षी है, ठीक। तो ये तीन चीज कहां पाए जाते हैं, ठीक। शुतुरमुर्ग जैसा कौन दिखता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और तीसरा, तीसरा सबसे भारी वेट जिसका ज्यादा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, विलुप्त होती हुई प्रजाति में या गंभीर संकटग्रस्त वाले में। अब देखते हैं जेरडॉन्स कॉर्सर्स कॉर्सेस को। जेरडॉन कॉर्सेस, इसमें याद रखिएगा, ये जो जेरडॉन कॉर्सेस है ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जेडॉन्स कॉर्सेस कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश। पहले ये महाराष्ट्र में भी पाया जाता था, आंध्र प्रदेश के इधर जाओगे तो महाराष्ट्र आएगा, तो महाराष्ट्र में भी पाया जाता था, लेकिन अब महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है इसको। दूसरा चीज इसमें याद रखेगा कि 1986 में इसको बहुत सालों बाद फिर से देखा गया आंध्र प्रदेश में, ठीक। बहुत सालों बाद कब देखा गया? 1986 में जेरडॉन्स कॉर्सेस को 1986 में आंध्र प्रदेश में देखा गया। आंध्र प्रदेश में जेरडॉन्स कॉर्सेस जहां पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को श्रीलंका मलेश्वर, याद रखिएगा, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। तो कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जेडॉन्स कॉर्सेस पाए जाते हैं? तो श्रीलंका मलेश्वर, और ये कहां पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। कहां पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, ठीक।
1986 में बहुत सालों बाद इसको देखा गया था। तीसरा देखते हैं हिमालयन क्वेल बटेर, हिमालयन बटेर जिसको बोला गया है। हिमालयन बटेर कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो ये हिमालय वाला पार्ट है, तो पश्चिमी हिमालय से लेकर इधर आपका हिमाचल प्रदेश तक। कहाँ तक? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम हिमालय से लेकर वेस्टर्न हिमालय से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, याद रखेगा, पाए जाते हैं हिमालयन बटेर। दूसरा ये याद रखेगा कि 1876 के बाद ये दिखना बंद हो गया था हिमालयन बटेर। हिमालयन बटेर क्या होता था? जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज इसका शिकार करते थे और हिमालयन बटेर को, और अंग्रेज इसको बहुत अच्छे से खाते थे पकाकर, ठीक। तो औपनिवेश वाला शिकार हिमालयन बटेर 1876 के बाद डायरेक्ट उसको 2003 में नैनीताल में देखा गया। कहां पे देखा गया? नैनीताल में। 1876 के बाद डायरेक्ट कब देखा गया? 2003 में। कहां पे देखा गया? नैनीताल में, हिमालयन क्वेल को, बटेर को, ठीक। और तीसरा ये किस प्रजाति में आता है याद रखेगा? तो हिमालयन बटेर आता है आपका वो तीतर प्रजाति के पक्षी में आता है। कौन से प्रजाति के पक्षी में? तीतर प्रजाति के पक्षी में। कौन से प्रजाति? तीतर प्रजाति के पक्षी में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं चौथा। फोर्थ जाने के पहले पहले इसको हटा लेते हैं, इधर को हटा लेते हैं। अभी कौन से श्रेणी वाले पढ़ रहे हैं याद रखिएगा? सीआर वाले, ये गंभीर संकट ग्रस्त वाले, ठीक। फिर देखते हैं नाम दफा। तो नाम दफा जिसको उड़ने वाली गिलहरी बोलते हैं, फ्लाइंग स्क्वायरल बोलते हैं, नाम दफा इंग्लिश में भी नाम दफा, ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? हिमालय क्षेत्र में। लेकिन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते थे लेकिन इसको अरुणाचल प्रदेश के, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर्स में से एक ऊपर वाला पार्ट, अरुणाचल प्रदेश के नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क, उसमें रखा जाता है इसको, नाम दफा को। तो इसके नाम पर ही अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क बना दिया गया है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, नाम दफा नेशनल पार्क, ठीक। उड़ने वाली गिलहरी किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा, याद रखिएगा, नाम दफा, ठीक। फ्लाइंग स्क्वायरल। गंगा सार्क, गंगा नदी के अपवाह तंत्रों में पाया जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, याद रखिएगा, गंगा सार्क। कौन सा था? गंगा सार्क, ठीक। इसलिए गंगा ही नाम पड़ गया, गंगा नदी में पाया जाता है करके, ठीक। तो गंगा सार्क और बंगाल की खाड़ी में, ठीक। अब देखिए सफेद दांतेदार छुछुंदर, वाइट टूथ श्रेव, ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है, खासकर अंडमान में। खासकर कहाँ पे? याद रखिएगा, अंडमान में। इसलिए इसको इधर लिखे, अंडमान में सफेद दांतेदार छुछुंदर। इसका क्या खासियत है? ये रात को क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है रात को, तो रात भर एक्टिव रहता है सफेद दांतेदार छुछुंदर। एल्विरा चूहा, एल्विरा रेड भी रात को ही एक्टिव रहता है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये कहाँ पाया जाता है? याद रखना, अंडमान में। एक खासियत इसका, एल्विरा चूहा जो होता है तमिलनाडु, नीचे है मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी, ठीक, यहाँ पे एल्विरा चूहा पाया जाता है, एल्विरा रेट, ये रात को एक्टिव होता है, ठीक, नाइट में क्रियाशील होता है, याद रखिएगा, एल्विरा चूहा। ये तो हुआ आपका सीआर वाला, ठीक। सीआर मतलब गंभीर संकटग्रस्त क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाले, सीआर वाले और देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं ना, सीएन वाले, ठीक, सॉरी ईएन वाले, इंडेंजर्ड, ये सीएन नहीं ईएन है, इंडेंजर्ड, ठीक। इंडेंजर्ड वाले में देखिए सबसे पहले याद रखेगा एशियाई शेर, एशियाई शेर संकटग्रस्त में एक है, ठीक। एशियाई शेर
गिर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में रखा गया है। ठीक, शेर अक्टूबर 2018 में एक वायरस के कारण 25 शेरों की मौत हो गई थी। उस वायरस का नाम है कैनाइन कैनाइन वायरस, याद रखिएगा वायरस का नाम क्या है, कैनाइन वायरस, पूरा नाम है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। वायरस का क्या नाम है, जो अक्टूबर 2018 में 25 शेरों का मौत हुआ था, उस वायरस का नाम क्या है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। ठीक, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क, ठीक, गुजरात। शेर जैसी पूंछ वाले बंदर पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे, कहाँ पे, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट अगर राज्य पूछा तो कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल और उसके नीचे तमिलनाडु, ये तीन जगह पाए जाते हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक, या पश्चिमी घाट में शेर जैसे पूंछ वाली बंदर, ये स्वभाव से देखो बंदर आक्रामक भी होते हैं और शर्मीले भी होते हैं, लेकिन शेर जैसे पूंछ वाली बंदर स्वभाव से शर्मीले होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, क्या है, स्वभाव से बहुत शर्मीले वाले। देखिए, अब देखिए ये नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर आपका दो जगह पाया जाता है, एक तो केरल और दूसरा तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। ठीक, दूसरा इसमें याद रखिएगा, नीलगिरी जो ताहर है तमिलनाडु का राजकीय पशु है, क्या है, राजकीय पशु। ठीक, तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर, और कहाँ, पश्चिमी घाट के केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं नीलगिरी ताहर। अब इधर आते हैं, सफेद दांतेदार छुछुंदर, ये तो पढ़ चुके हैं, है ना। इधर गंगा डॉल्फिन, कौन सा, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ये तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी के अपवाह तंत्र में ये फैला हुआ है पूरा, ये इधर नेपाल से लेकर भारत से लेकर बांग्लादेश तक ये पूरा फैला हुआ है गंगा डॉल्फिन, याद रखिएगा। कोसी नदी, ठीक, आपका चंबल नदी, ये सब में गंगा डॉल्फिन मिलता है। 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन को। ये अच्छे से याद रखिएगा, ब्रो एंटर डियर, इसको डांसिंग डियर कहते हैं, क्या कहते हैं, डांसिंग डियर, हिरण। ठीक, तो डांसिंग डियर किसको कहते हैं, ब्रो एंटर डियर। दूसरा चीज इसमें याद रखिएगा, ये मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर का राजकीय पशु है ये, कहाँ का, मणिपुर का राजकीय पशु ब्रो एंटर्ड डियर। ठीक, इसको और किस नाम से जानते हैं, डांसिंग डियर के नाम से। ठीक, लाल पांडा कहाँ पाया जाता है, तो लाल पांडा पाया जाता है सिक्किम, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, कहाँ कहाँ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान, तो नेपाल भूटान तो हमारे काम का नहीं है, तो लाल पांडा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, कहाँ कहाँ, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। सुनहरा लंगूर, गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है, तो सिक्किम, असम, ठीक, कहाँ कहाँ पे, ये लाल पांडा असम के कुछ क्षेत्र में भी पाया जाता है, तो सिक्किम और सुनहरा लंगूर सिक्किम, असम और हिमालय के कुछ क्षेत्र और क्षेत्रों में, उधर जाएंगे तो सुनहरा लंगूर, गोल्डन लंगूर पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं और बना लेते हैं पहले।
चलिए थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा ये दोनों में और पढ़ लेते हैं। ये जो भाग है ये सीआर वाला भाग है, मतलब गंभीर संकटग्रस्त वाला बॉक्स ये वाला है, और संकटग्रस्त ईएन वाला ये है, ठीक, क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाला, ठीक। तो इतना और कर लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत और बचे हैं उसको कर लेंगे पूरा। एक तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाले में, गंभीर संकटग्रस्त में साइबेरियाई क्रेन आता है। क्या आता है? साइबेरियाई क्रेन। ये राजस्थान में पाए, भारत के एकमात्र जगह राजस्थान में पाया जाता है। साइबेरियाई क्रेन जो पक्षी होता है उसके लिए ठंडा स्थान मस्ट होता है, इसलिए जाड़े में ही पाया जाएगा राजस्थान में, साइबेरियाई क्रेन, याद रखिएगा, ठीक। दो कुबड़ वाला ऊंट अगर पूछा तो ये पाया जाता है लद्दाख। कहाँ पे? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में एक ही जगह। और खराई ऊंट पूछेगा तो राजस्थान में पाया जाएगा, खराई ऊंट, ठीक। खराई कैमल पूछेगा तो राजस्थान में। दो कुबड़ वाला ऊंट तो लद्दाख, कहाँ पे? लद्दाख, ठीक। टू हेम्प्ट, टू हम्प्ट कैनल कहाँ पे? लद्दाख। और खराई ऊंट कहाँ पे? राजस्थान। लेकिन ये एक चीज है कि दो कुबड़ वाला ऊंट गंभीर संकटग्रस्त में है और खराई ऊंट किस में है? संकटग्रस्त वाले में, ठीक। पिग्मी हॉक, पिग, पिग मतलब तो जानते हो कि पिग मतलब होता है सुअर, ठीक। पिग्मी हॉक एकमात्र जगह असम, ठीक, असम में पाया जाता है। कहाँ पे? असम के जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहां पे पाया जाता है पिग्मी हॉग। तो पिग्मी हॉग मानस उद्यान में, मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाएगा पिग्मी हॉग। विश्व का सबसे छोटा सुअर, छोटा प्रजाति का सुअर कौन सा है? तो पिग्मी हॉग, याद रखिएगा, विश्व का सबसे छोटा प्रजाति का सुअर कौन सा है? पिग्मी हॉग। एशियाई शेर, एशियाटिक लायन, पश्चिमी घाट में आप लोग पढ़े ही हैं, वो भी संकटग्रस्त में है, याद रखिएगा। और जितने भी बाघ हैं वो भी संकटग्रस्त में रखे गए हैं। बाघ अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन संकटग्रस्त में आ चुके हैं बाघ भी, ये याद रखिएगा। अब कुछ और देख लेते हैं, सुभेद्य, निकट, संकट, ये सब में। चलिए चलिए कुछ और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सुभेद्य वाले में, वल्नरेबल वाले में, हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड जो है ये हिमाचल प्रदेश, हिम मतलब ऑब्वियस है ठंडे स्थान में होगा, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। क्या? हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश के साथ ही जम्मू कश्मीर के लद्दाख और लद्दाख क्षेत्र में तक भी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। दूसरा, हिम तेंदुआ जो है -40 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक भी ठंड सहन कर सकता है, याद रखिएगा। इनको रातों का भूत कहा जाता है, हिम तेंदुआ को रातों का भूत कहा जाता है, याद रखिएगा इनको, हिम तेंदुआ को, ठीक। हालांकि ये हिम तेंदुआ बहुत शर्मीले होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन रातों का भूत कहा जाता है हिम तेंदुआ को। चार सिंह वाला मृग ये ओडिशा में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? ओडिशा में, बस ये याद रखिएगा। ड्यूगोंग जो है ये लद्दाख में पाया जाएगा, सॉरी, ड्यूगोंग जो है ये अंडमान निकोबार में, जो अंडमान निकोबार के सी बीच है ना, वहां पे ड्यूगोंग पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा ये ड्यूगोंग? जो है आपका जैसे शार्क है वैसे ही ड्यूगोंग होता है। तो ड्यूगोंग जो है समुद्री जो घास होता है उसको खाता है ड्यूगोंग, याद रखिएगा, ठीक। अंडमान निकोबार पर
काली गर्दन वाला सारस, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। और चिंकारा, चिंकारा याद रखिएगा, ये संकट मुक्त एलसी है, लेकिन चिंकारा राजस्थान या शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, याद रखिएगा चिंकारा। ठीक, इतना हमको और याद रखना है। चलिए, इसमें आपके जैव विविधता वाला पार्ट में एक और टॉपिक दिया हुआ है, जैव विविधता को क्षति, थ्रेट्स, लॉसेस या डैमेज टू बायोडायवर्सिटी। तीन पार्ट दिया है, आवासीय क्षति, रेसिडेंशियल डैमेज, वन्यजीव क्षति, डैमेज टू वाइल्ड लाइफ, और मानव एवं वन्यजीव संघर्ष, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ स्ट्रगल। ठीक, इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। हालांकि ये मेंस का टॉपिक था, मेंस का जो सिलेबस है सीजीपीएससी का, वही आपका सिलेबस एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन दिया है तो एक बार पढ़ने में क्या है, पढ़ लेते हैं भाई, देख लेते हैं क्या है। अब देखो, आवासीय क्षति क्या होता है। देखिए, एक तरफ मानव है, मतलब मनुष्य हैं हम लोग, हैं ह्यूमन है ना, और मानव का आवास क्या होता है, घर। ठीक, जंगल तो होता नहीं है, उनको क्या चाहिए, घर चाहिए। ठीक, और एक तरफ है जीव जंतु, जानवर, एनिमल्स, और मोस्टली जानवर का घर क्या होता है, जंगल होता है, क्या होता है, जंगल। ठीक, अब किसका जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, किसका पॉपुलेशन हमेशा बढ़ते जा रहा है, तो मानव का जनसंख्या बढ़ता ही जा रहा है, पॉपुलेशन। तो जैसे ही मानव का जनसंख्या बढ़ रहा है, तो मानव अपना आवास भी तो बढ़ाएगा। ठीक, किसी किसी का देखिएगा, आठ मतलब एक घर, दूसरा घर बनाता, तीसरा घर भी बनाता, चौथा घर भी। ठीक, और जानवर तो घर नहीं बनाता, जानवर तो थोड़ी ना क्रिएट करता है भाई, वो तो जंगल में रहता है। तो अब मानव क्या करता है, अपनी आवास को बढ़ाने के लिए, या अपने आवास में सुरक्षित रहने के लिए जंगल की कटाई करता है। ठीक, या उद्योग लगाने के लिए जंगल में जाकर जंगल को नुकसान पहुंचाता है ना। तो यही आवासीय क्षति कहलाता है, किसके लिए, जानवरों के लिए। क्या कहलाता है, आवासीय क्षति, क्या कहलाएगा, आवासीय क्षति भाई। अब वन्य जीव क्षति, डैमेज टू वाइल्ड लाइफ, इसमें अवैध शिकार आता है, एक्चुअल में क्या आएगा, अवैध शिकार, इलीगल हंटिंग। अब मनुष्य आवास के लिए ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, जैसे आर्थिक शोषण करता है, आर्थिक आर्थिक इनकम बढ़ाने के लिए क्या करता है, इकोनॉमिकल इनकम बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, जो जानवर हैं, कई जानवरों को के दांत को, कई जानवर के खाल को, कई जानवरों के मांस को बेचा जाता है। ठीक, उसके लिए अवैध शिकार किया जाता है, क्या किया जाता है, इलीगल हंटिंग किया जाता है। तो ये वन्य जीव क्षति, जीवन क्षति कहलाता है, किसमें आता है, ये वन्य जीवन क्षति में। और मानव एवं वन्य जीव संघर्ष ये दे दिया गया है, इसको समझाइए ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन मानव एवं वन्य जीव संघर्ष, मानव के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ठीक, ये जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनके कारण भी देखिए, मान लो
कोई ऐसा जानवर है जो उसी जलवायु में, जैसे आपका ठंडा जलवायु वाले जानवर हैं जो ठंडा में ही रह सकते हैं, कोल्ड में ही रह सकते हैं, ठीक। अब वहां पे बहुत सारे मनुष्य आए और प्रदूषण किए, ठीक, पॉल्यूशन किए, तो पॉल्यूशन किए तो वहां पर क्लाइमेट चेंज होने लगा, तो वहां का जानवर क्या करेगा भाई, वो को तो ठंडा में रहने का आदि था, ठीक, वो कहीं और भागेगा, और भागेगा तो उसका नुकसान होना तय है। इसी को क्या बोलते हैं, मानव एवं वन्य जीव संघर्ष। जो भी मानव कर रहा है, देखिएगा, उद्योग बढ़ाने का के लिए काम कर रहा है, ठीक, आवाज बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, उसके लिए कुछ भी जो हो रहा है वो पॉल्यूशन ही तो हो रहा है। पॉल्यूशन के कारण जंगल का नुकसान हो रहा है, जंगल का नुकसान होने के कारण जानवर भी खतरे में आ रहे हैं। इसी को मानव एवं जन वन्य जीव संघर्ष में रखा गया है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़े ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ हो जाएं, जितने पेपर्स में आए हैं आपके यूपीएससी पेपर्स में और आपके आईएएस पेपर्स, एसीएफ पेपर्स में और सीजीपीएससी और जो भी पीएससी का क्वेश्चंस था, उसको एक साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक। बन रहे हैं, एक दो दिन में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।